गांधी आप ना गांधी चढ़ गया तो गांधी चढ़ गया गांधी मिली है वो चलो परे नो चलो कोर्ट ऑफ कंटैक्ट अपील लगी हुई है और देखो सरदार वरिंदर सिंह के नाते हरकमलजीत सिंह के नाते जेडे के समन आए हुए जज वालों स्टे लगा सी उहदे फैसले की कॉपी मड़वे एक बड़ा झगड़ा होया सी तुसी ध्यान ना देखोगे कि बैक साइड तो लड़के आए और फ्रंट दे उत्ते लड़के इस जगह तो आके उन्होंने ट्रैक्टर खोया ते इस जगह तो चढ़ के उन्होंने अगे सुटिया सुट के वह बंदे उत्थों तक चल गए पर किसी ने उन्होंने अजे तक नहीं गई वीडियो दे विच चंगे तरीके नाल तुसी उन्हां दी बोलबानी ते जिहड़ियां चिक्कां ते चांगरां मारियां उन्हां नूं ध्यान नाल जरा सारा प्रोसैसिंग सुनो शॉर्ट से करने हैं सारे नूं ध्यान नाल देखा जाए कि ये उही मेरा ट्रैक्टर आ जिहड़ा कि उन्होंने छप्पड़ दे विच सुट्टिया सी ते इस ट्रैक्टर दा जिहड़ा नुकसान होया वा उस बारे भी प्रशासन ने कुछ नहीं किया सर बंबी की फोटो मैं उधरों एनू लैनी मैं इत्थे प्रशासन नूं ये भी दसना जरूरी समझदी हाँ कि यह वो मोटर आ जिहड़ी कि मेरे घर विच लगी हुई है मेरे च बनिया होया ते इहदा अंडरग्राउंड पानी उस ही किले दे विच जाके खुलदा वा जिस किले दा फोटो लो जी मैं जसप्रीत कौर छीना वाइफ ऑफ लेट कर्नल यशपाल सिंह छीना वासी आले चक मेरी इस पिंड दे विच जिहड़ी सीगी ओह नौ कनाला सत्त मरले जमीन सी जिसका मेरा झगड़ा कोर्ट विच चल रहा सी मान जो सैशन जज गुरदासपुर वालों उहदे उत्ते स्टेटस को हो चुका सी ये जमीन मेरे कोल पहला मेरे हसबैंड दे कोल कोई 50-60 साल तो वगदी आ रही सी 13 साल उन्हां दी डैथ नूं हो गया उदों दी ये जमीन जिहड़ी सी ओह मेरे कोल ही वगदी आ रही सी हुण अचानक ही साडे पिंड दे बंदियां ने उदन मेरा ड्राइवर रूटीन दी तरह जमीन वारिया सी सैकेंड जदों असी उस दिन सवेरे सवेर मेरा ड्राइवर कल्ला ही पैली वाहुण वास्ते गया तां उस समय उन्हें एक खत्ता वाह लिया सी जदों कि दूजे खत्ते दी वारी आई तां काफ़ी सारे बंदे जिहड़े सी ओह कट्ठे हो के आए जिहदे विच मेन हरकमलजीत सिंह बथवाला वरिंदर सिंह आलेचक साडे पिंड दा सरपंच कलवंत सिंह गुरजीत सिंह भुपिंदर सिंह और संतोख सिंह और एक रोमी हमराजपुर ये बंदे जिन्हां दी मैनू पछाण सी पर बाकी बंदियां दी मैनू पछाण नहीं सी इन्हां सारयां ने हत्थां दे विच जिहड़े सी ओह दातर वगैरह फड़े होए सीगे जदों इन्हां बंदियां ने आ के मेरे ड्राइवर नूं यकदम ट्राइकटर दे उत्तों थल्ले सुट लिया ते मेरा ट्रैक्टर खोह लिया
उस टाइम तो मैं दौड़ी हुई पैली दे विच गई। जब मैं पैली दे विच जा रही सी तो पिछों किसी बंदे ने मैनू आवाज़ दिती, मैडम फायर। मैं यकदम हवाई फायर किया अपनी सेफ्टी वास्ते कि जब मेरे पिछे भी तुसी वीडियो दे विच देख लोगे, मैं वीडियो दे दांगी जिहदे विच मेरे पिछे तो भी बंदे दौड़ के आ रहे हैं तो मेरे फ्रंट तो भी बंदे जिहड़े आ ओह दौड़ के मैनू मारन वास्ते आ रहे ने। इहदे विच मैं किते भी कोई गलती नहीं की क्योंकि हथियार जिहड़ा वा असीं अपनी डिफेंस वास्ते लैंदे आ। मैं किसी वल सीधा फायर नहीं किया, हवाई फायर किया। जब मैं हवाई फायर किया तो पुलिस वाले ने मैनू आ के कहा कि मैडम तुसी घर चले जाओ, असीं आपे इन्हां दे नाल नजिठ लैंदे आ। मैं अपने ड्राइवर नूं लैके उस टाइम ते अपने घर आ गई हाँ। तुहानूं असीं एक वीडियो पेश करांगे जिहदे विच तुसीं ध्यान दे नाल देखना कि किस तरह ये सारे जाने दातर लैके पैली दे विच भज्जे फिर रहे ने। और तीन पुलिस मुलाजम भी तुहानूं नज़र आउणगे जिहड़े पैली दे विच ने, जिन्हां वल्लों कोई एक एक्शन नहीं होया। हाँ जी, जदों असीं पैली वाह रहे सीगे एक गड्डी पहलां ही पुलिस दी हूटर मारदी हुई आई और वह पैली वल नहीं आई, वह सीधी अगे जा के खड़ी हो गई। उस टाइम तो कोई बंदा नहीं सी आया साड़ी पैली दे विच और वह साड़ी हवेली दे गेट गाड़ी कोई 15-20 मिनट रुकी। जदों वह बंदे आ के पैली वल आ गए उस टाइम तो उन्होंने आ के वह गड्डी जिहड़ी रस्ते च डक दित्ती ते जदों साडा उन्होंने ट्रैक्टर खोलिया तो उन्होंने सानू घर वापस भेजता। जदों सानू वापस भेजता उन्होंने पिछों साडा ट्रैक्टर जिहड़ा सीगा ना वह छप्पड़ दे विच सुट दिता। वह वीडियो दे विच तुहानू बड़े चंगे तरीके नाल नज़र आ जाएगा कि किस तरह उन्होंने ट्रैक्टर सुटिया तो किस तरह उन्होंने बाद विच पैली दे विच नाच किया। मेरा नाम भाई मेजर सिंह बाजवा है, उदा मेरा पूरा नाम हरकमलजीत सिंह बाजवा है। ये जमीन असी सिमरन छीना मनीत छीना को जमीन खरीदी हुई है जी 2011 च, आप रजिस्ट्री कराई जी। हाँ, रजिस्ट्री है जी, ठीक है जी। रजिस्ट्री तो बाद सर इंतकाल साढ़े नाँ हो चुका वा, इंतकाल मंजूर हो चुका जी। इंतकाल मंजूर होने तो पहला इन्हें औरत ने एक एस डी एम के कोर्ट में कोर्ट केस कर दिता है भी मेरा हक बनता है। एस डी एम साहब की कोर्ट में यह केस हार चुकी है, एस डी एम साहब ने फैसला साढ़े हक सुनाया जी। फिर इन्हें अपील कर दी जी जलंधर कमिश्नर साहब के, कमिश्नर साहब को भी यह केस हार गई है जी। कमिश्नर साहब ने भी साढ़े फैसला हक में सुनाया जी। फिर इन्हें एक जाली बयान तैयार करके कोर्ट में केस लवा दिता। कोर्ट ने जो जाली बयान में फोकस बयान करार करके वो भी मतलब केस साढ़े हक जी किया जी, वह भी फैसला ये खिलाफ गया जी। फिर एक ने जाली वसीयत तैयार की थी जसपाल छीने की, कर्नल जसपाल छीने साहब की, कोर्ट ने वह भी वसीयत यदि तोड़ दी है। वो फैसला दोवें कुड़ियों के एक मुंडे के हक में कर दिता वा, उहदे विच भी कोर्ट ने इहदे नां दे कुछ नहीं, इहदे हक च कोई फैसला नहीं सुनाया दोवें कुड़ियों नूं, तो मुंडे गुरशेर नूं उहदा मतलब जो भी हिस्सा बनता दिता गया वा। इस तों बाद जदों आपां कणक बीजी आ, हुण कणक वढ़न तों बाद असीं इत्थे चरी दी कश्त कीती, चरी चारे की उहदी मौका रिपोर्ट आई साडे कोल, ठीक है। अज तों 1.5 महीना पहलां दी है सर। आ जिहड़ा मेरे को रिकॉर्ड आ 1981 तो लैके अज तक दा आ, 1981 तो लैके अज तक किसी खाना मालक विच इहदा नाँ नहीं आउंदा, किसी खाना काश्त विच इहदा नाँ नहीं आउंदा। गुरद्वारियां भी साढ़े नाँ ते ने, 2011 तो आपां जिउंदे रजिस्ट्री कराई उदों जमीन दी आपां काश्त कर रहे हैं, खुद वाह रहे हैं। हुण आपां अपनी मतलब जमीन बीजी सीगी, इहने की कीता जबरी कब्जा करन दी नीयत नाल अपने 15-20 बंदे नाल लै के उन्हें वाहन की कोशिश की, जिन्हों आप जाके मौके पर रोकया। इन्हें की किया मैंने जानों मारन की नीयत नाल मेरे तो सीधे फायर कर दते जी। चलो माणयोग पुलिस ने अपना पुलिस की कार्रवाई तो सैटिस्फाई भी हाँ, पर फिर भी अं एक अपील करते हैं कि ये 307 की धारा लगनी चाहिए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तो 336 का परचा दर्ज किया, असं फिर भी चलो SSP साहब के पेश हो गए, फिर एप्लीकेशन देंगे कि 307 की बनती कार्रवाई की जाए, धारा में वाधा किया जाए। ये भाजी मैं गुरभेत सिंह, इन्होंने मेरा परचे दे विच नाम दर्ज किया भी गुरभेत सिंह ट्रैक्टर चला रहा है, तो ये कोलो ट्रैक्टर छप्पड़ विच डिग पिया, ठीक है। जबकि मैं 9 बजे ड्यूटी तो वापस आया, उस वेले सारा कुछ हो चुके, बाद विच जो मैनू पता लगा साडा ड्राइवर चरणजीत सिंह वो ट्रैक्टर चला रहा है, ठीक है। इन्हें मेरा नाम विच झूठा दर्ज किया भी गुरभेत सिंह ट्रैक्टर चला रहा है, क्योंकि मैं तो उत्थे है ही नहीं सी, ना मेरी कोई वीडियो हैगी इन्हां कोल, ना कोई प्रूफ हैगा, ठीक है ना। इस करके जिहड़ा झूठी परचा किया गया मेरे ते भी ट्रैक्टर चला रहा है,
ये बिल्कुल ये कैंसल होना चाहिए। मैं कुछ 9 बजे घर आया, ठीक है, मेरे आद्या सब कुछ हो चुका सी। बाद मैं पता लगा भी आम होया आ, फिर मैं पता लगा भी चरणजीत सिंह ट्रैक्टर चला रहा है, तो ट्रैक्टर भी इन्हें आप ही बेच सुटिया आ, ना कि होर किसी ने। मैं मंग करदा मेरे जो नजायज़ परचा होया ट्रैक्टर चलाउण दा वह कैंसल किया जाए। ये जी उन्होंने ना प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट सी, जिसकी इंक्वायरी साढ़े बालातर अफसर को चल रही सी, तो वो लेडी ने जिहड़ी दूसरी पार्टी आ एलीगेशन ला रही भी लेडी ने इंक्वायरी की वेट ना करते हुए तो पैली वाहन की कोशिश की है, तो जिहड़े उस टाइम उत्थे काबज़ सी उन्हां दा जिहड़े पट्ठे उन्होंने बीजे से उन्होंने राउंड अप मार के या किसी तरीके ना भी खराब करके तो मुड़ के उन्हें पैली वाहन की कोशिश की है। दूजी तरह इल्जाम ला रही है गोली जी, जो मौके दे जिन्नी सानू इन्होंने दस्या आके भी जिहड़ी लेडी जिहड़ी अपने बंदे नाल लैके 5-7 जणे ते पैली वाहन की कोशिश कर रही थी, इन्होंने उन्होंने कहा भी तुसीं इदां ना करो, जिहड़ी अपना वेट कर लो जो अपनी इंक्वायरी का डिसीजन आऊगा, तो उस गल तो इन्हां दी तू तू मैं होई आ, तो जिहड़े मैडम ने छीना उन्होंने गोली उत्थे चलाती है। हाँ जी उन्होंने स्कूल भी है। जे पुलिस उत्थे पहला आ गई सी तो फिर मैडम ही पुलिस की गल मान लेंदे, जे पुलिस दे हुंदे आ इन्हां ते हमला हो जांदा ते फिर तो रिस्पोंसिबिलिटी साडी सी, इन्हां नूं तां फायर करना नहीं चाहिए। किन्ने बंदे च मामला दर्ज कीता गया जी, किन्ने बंदे मौजूद आ? इहदे च 3 बंदे आ जी। इक मैडम कह रही आ भी उहदा कोई भरा वा जां भणेवा वा जिहड़ा कह रहा जा रहा भी ट्रैक्टर चला रहा सी, उहदे भी ट्रैक्टर ड्राइवर चला रहा सी, मेरे भरा दा कोई लैंदे नहीं, उत्ते कोई दर्ज कीता गया? चलो देख लें जी, ये जे कोई एविडेंस सामने आऊगा तो उन्हों का जरा उस हिसाब न देखा जाऊगा। फर्दर कोई नहीं जी, एक परचा दर्ज करने तो बाद जी अभी तफ्तीश करके अपनी मुकम्मल करा।